हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे लोधा वीरो माटुंगा ईस्ट मुंबई। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, लोधा वीरो ये लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट 1.3 एकर लैंड पार्सल पर बन रहा है, जिसमें सिर्फ दो टावर है, ए और बी टावर, और दोनों टावर ग्राउंड प्लस 39 स्टोरी का टावर है। तो अभी डेवलपर ने ए टावर लॉन्च किया है, जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ दो फ्लैट है, 3 बेडरूम विद स्टडी एंड 4 बेडरूम विद स्टडी। तो काफी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लिविंग रूम के साथ में आपको काफी बड़ा सा इसमें डेक मिलता है और प्लस जितने भी फ्लैट्स है यहाँ पर बैर शेल फ्लैट्स दिए गए हैं। और इस प्रोजेक्ट में आपको 80% ओपन स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 35+ लाइफस्टाइल एमिनिटीज दिया गया है एंड डेवलपर इज लोधा ग्रुप। तो आप इमेजिन कर सकते हो, इट्स अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट। लॉबी एंट्रेंस आप देखेंगे, काफी स्पेशियस लॉबी एंट्रेंस दिया गया है और बिल्डिंग का एलिवेशन भी आप देखेंगे, काफी एलिगेंट लुक है। तो यहाँ पर दोस्तों, लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोधा वीरो है, दिस इज माटुंगा ईस्ट, ये सारा लोकेशन माटुंगा ईस्ट है। और ये जो बड़ा सा हाईवे आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मानव सेवा संघ है, मानव सेवा संघ के बिल्कुल पीछे ये प्रोजेक्ट आता है लोधा वीरो। तो इस रोड का नाम भावदागी रोड है, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो इस प्रोजेक्ट से दोस्तों, माटुंगा रेलवे स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है, किंग सर्कल रेलवे स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 26 मिनट की दूरी पर है, बीकेसी 15 मिनट और लोअर परेल 20 मिनट। और इसके पास में ही 5 गार्डन है, जो कि 5 मिनट की दूरी पर है। और जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। इसके अलावा शमुकानंदन हॉल इस प्रोजेक्ट के पास में है, आर्य भवन इस प्रोजेक्ट के पास में है, सुपरमार्केट छेड़ा स्टोर अगेन इस प्रोजेक्ट के पास में ही है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देखेंगे काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है और ये रनिंग डेक है और प्लस इट्स अ कवर्ड डेक। और इसके अलावा आप देखेंगे फ्लोर टू सीलिंग हाइट फ्रेंच कट विंडो दिया गया है, काफ़ी हाई गेज विंडो है और इट इज़ वॉल टू वॉल स्लाइडिंग। तो आपको बिल्कुल डिस्टेंस तक ओपन व्यू मिलता है। प्लस यहाँ पर हर एक फ्लैट में प्राइवेट एलिवेटर्स दिया गया है, आप मेन डोर से भी अंदर आ सकते हो, प्लस आप प्राइवेट एलिवेटर्स से भी डायरेक्ट फ्लैट में अंदर आ सकते हो। इसके अलावा इंडिपेंडेंट स्टाफ रूम और वॉशरूम दिया गया है, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेंट अमंड का दिया गया है, 2 फ्लैट हर एक फ्लोर के ऊपर। तो आप इमेजिन कर सकते हो, इट्स अ वेरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो लैंड पार्सल है, ये करीबन 1.8 एकर का लैंड पार्सल है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर ए और बिल्डिंग नंबर बी। तो अभी डेवलपर ने बिल्डिंग नंबर ए लॉन्च किया है और यहाँ पर जितना भी एमिनिटीज आप देख रहे हैं, ये 3 लेवल पोडियम पार्किंग के ऊपर दिया गया है। तो इन डिटेल दोस्तों, एमिनिटीज यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जैन टेम्पल मिलता है, एंट्री एंड एग्जिट गेट होगा, टावर ड्रॉप ऑफ पॉइंट होगा, कैफे कम लॉन्च दिया गया है, अल्फ्रेस्को टेरेस, लैप पूल, पूल डेक, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, स्पोर्ट्स लॉन, वॉकिंग ट्रैक एंड मैनी मोर। इसके अलावा अदर एमिनिटीज में आप देखेंगे यहाँ पर 25 मीटर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल दिया गया है, कैफे एरिया ओवरलुकिंग पूल एंड लॉन्स, लार्ज स्पोर्ट्स लॉन्स, वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम, पार्टी हॉल, इंडोर गेम्स रूम विद टेबल टेनिस, कैरम एंड चेस एंड मेनी मोर। तो आप देखेंगे जो ये कैफे एरिया है, ये स्विमिंग पूल को बिल्कुल लगकर है और आसपास के सराउंडिंग एरियाज में डिसेंट प्लांटेशन दिया गया है। तो काफी रिच और रॉयल लुक है एमिनिटीज एरिया का। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देखेंगे ए विंग का फ्लोर प्लान है, जिसमें हर एक फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट है और 2 स्टेयरकेस दिया गया है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 BHK विद स्टडी है, जिसका कारपेट 1795 स्क्वायर फीट है
और फ्लैट में आप प्राइवेट लिफ्ट के अलावा मेन डोर से भी अंदर आ सकते हो। और सेंटर में आप देखेंगे बड़ा सा स्क्वायर हॉल दिया गया है, उसके साथ में लगकर बिल्कुल बड़ा सा डेक है, और लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम है और राइट साइड में ऊपर की तरफ 1 बेडरूम है और नीचे की तरफ किचन विद यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। तो इस फ्लैट का जो प्राइस है वो 7.55 CR है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट एंड इट विल बी अ बेयर शेल फ्लैट। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 BHK विद स्टडी है, जिसका कारपेट 2178 है, और यहाँ पर भी सिमिलर प्राइवेट लिफ्ट होगा। और लिविंग रूम आप देखेंगे काफ़ी लेवेश और बड़े साइज का लिविंग रूम है, इट्स अ स्लाइटली रेक्टेंगल लिविंग रूम, और उसके साथ में बड़ा सा डेक अटैच्ड है। लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम है प्लस किचन है, किचन के साथ में यूटिलिटी स्पेस दिया गया है, और राइट साइड में 2 बेडरूम है। तो इसका जो प्राइस है 9.12 CR है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट एंड इट्स अ बेयर शेल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट प्लान भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप 25% हर साल पेमेंट कर सकते हो, और फाइनली पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा December 2026 में। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.